तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो पेमेंट है वो 8 तारीख से बैंक प्रोसेसिंग में, 9 तारीख का बैंक प्रोसेसिंग में, 10 तारीख का बैंक प्रोसेसिंग में और 11 तारीख का जो है बैंक प्रोसेसिंग में। तो यहाँ से 48 से 72 घंटे हो गए, लेकिन तो यही एक डाउट क्लियर था जो आप परेशान हो रहे होंगे कि हमारा पैसा वो नहीं आया, कंपनी भाग गए। तो क्योंकि हमारे जो मैनेजर है मैडम करीना, उनसे हमारी बात हो चुकी है कि कंपनी का जो पेमेंट है वो थोड़ा 48 से 72 घंटे के अंदर आप विड्रॉल होगा, तो आपको धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में आपको बोस्टन डायनेमिक्स में पैसा विड्रॉल किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में कंप्लीट जो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपको पैसा विड्रॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो पेमेंट है वो विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो वो उनके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से जो आपके पेमेंट है जो है विड्रॉल नहीं हो रहे। तो कंप्लीट एंड तक वीडियो को वॉच करना है, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड शुरू कर दें। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना है। आईडी को लॉगिन करने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा माई बैंक, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो अपना अकाउंट नंबर चेक कर लेना है, आपने कौन सा अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड कर रखा है, या फिर अगर आपने अकाउंट नंबर ऐड नहीं कर रखा है यहाँ पे आपको अपना नाम दे देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बैंक का नाम दे देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर देना है, आपके जो भी अकाउंट नंबर हो आपको अपनी डायरी में से देख के यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पर सही से आपको आईएफएससी कोड एंटर करना है। आईएफएससी कोड अगर आपको पता नहीं तो आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो, या फिर आपकी जो बैंक की पासबुक है उसमें भी चेक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेव बैंक पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव बैंक पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक बार वापस से अपनी जो डिटेल है वो कन्फर्म करने हैं, उसके बारे में वेरीफाई करने हैं। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला काम ये करना है, विड्रॉल करने से पहले जब भी आप कभी भी विड्रॉल करो तो आपको एक बार अपना जो बैंक अकाउंट है वो ज़रूर चेक करना है। उसके बाद में आपको बैंक हो जाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके वॉलेट में जितना भी बैलेंस है उसी को आप जो है विड्रॉल कर पाओगे। तो यहाँ पे मेरा 240 है, तो मैं इसको विड्रॉल करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको विड्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर जितना भी अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर हम 240 एंटर करेंगे। आपके वॉलेट में जितना भी बैलेंस है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका जो पेमेंट है वो विड्रॉल हो जाएगा, आपका जो बैंक प्रोसेसिंग के लिए सेंड कर दिया जाएगा। तो अब उसको आप चेक करना चाहो कि आपका जो पेमेंट है वो विड्रॉल हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फंडिंग डिटेल, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा विड्रॉल वाला, इधर आप साइड में देखोगे विड्रॉल वाला, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है पेमेंट का स्टेटस शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा पेमेंट है, मैं डेली यहाँ पे विड्रॉल करता हूँ। तो बोस्टन डायनेमिक्स से रिलेटेड अगर आपके और भी कोई डाउट हो या कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, बेझिझक आप कमेंट में हमें बता सकते हो। अगर कोई सीरियस टॉपिक होगा तो हम उस पर बात करेंगे, या फिर कोई चीज़ ज़्यादा सीरियस होगा तो हम उस पर वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।